नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जो आपकी वैकेंसी निकली थी JVNL के अंदर हेल्पर सेकंड, जो विद्युत विभाग के अंदर आई थी सहायक द्वितीय भर्ती, उसके बारे में। तो आप सभी ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि इसका जो फुल पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, इसके अंदर माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, क्या इसके अंदर सैलरी रहने वाली, क्या इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसीजर है, कितने क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों, अपन देखते हैं डिटेल्स के साथ जो इस वैकेंसी के अंदर सिलेबस बस आने वाला है, और आपको विद प्रूफ के साथ बताऊंगा कि इसके अंदर क्या सैलरी रहने वाली है, क्या माइनस मार्किंग रहेगी। एंड दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, एंड वीडियो को तो आप लाइक कर ही देंगे, और आपका सवाल या सुझाव तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं, जो आपका एग्जाम रहने वाला है ऑनलाइन रहेगा, ठीक है, ऑनलाइन आपका रहेगा। और इसकी एग्जाम डेट भी आ गई है, 26 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके एडमिट कार्ड जो कल आने वाले थे, ठीक है, तो आज शाम तक इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपके एडमिट कार्ड अपलोड नहीं हो पाए। तो अपन देखते हैं जो आपके सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो उसके अंदर मैं आप सभी को बता देता हूँ सबसे पहले कि जो आपके एग्ज़ाम के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, आपके ना जो एग्ज़ाम के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, और जो क्वेश्चन रहेंगे आपके हर एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे, तो आपके 100 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर आपकी जो बेसिक एंड जनरल नॉलेज आएगा आपका, और सिलेबस भी मैं आप सभी को डिटेल के अंदर बता देता हूं। तो 10वीं स्टैंडर्ड का ही आपका रहेगा, 10th स्टैंडर्ड का, जिसके अंदर आपकी हिंदी इंग्लिश रहेगी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, और डिटेल के अंदर भी मैं आपको सिलेबस के अंदर बता देता हूं। तो थोड़ा सा इस वीडियो का अपन देख लेते हैं, तो राजस्थान GK एंड जो जनरल साइंस भी आएगी। एंड उसी के बाद जो आपने एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, तो दोस्तों इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, सभी ध्यान से देख लीजिए, मैं आप सभी को बता देता हूँ इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी दोस्तों आपको। तो आप सभी देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही मेरे पास एक जो स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है, तो जो ऑफिशियल विज्ञापन आया था तो उसके अंदर ही बता रखा था, देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम रहेगा उसके अंदर ना तो आपकी नेगेटिव मार्किंग है और ना ही कोई इंटरव्यू रहेगा, ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो आपकी और इसमें जो मिनिमम पासिंग मार्क्स भी नहीं रखे गए, ऐसा नहीं कि आपको 40% लाना जरूरी है, ठीक है, तो आपको जो मेरिट बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर जो मेरिट 40 से कम जाती है तो जो 40 से कम वालों बंदों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें जो नहीं बताया गया कि जो आपको पासिंग मार्क्स लाना कंपलसरी है, ठीक है, तो मेरिट बेस बनेगा इसमें, और जो मेरिट के अंदर रहेंगे उन्हीं का ही सिलेक्शन होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के द्वारा, ठीक है। और इसके अंदर जो आपकी सैलरी रहने वाली है 12,600 रुपये 2 साल तक, तो यही रहेगी आपकी जो प्रोबेशन पीरियड है उसके अंदर, ठीक है, 12,600 रुपये रहेगी, एंड 2 साल बाद आपकी जो सैलरी बढ़ जाएगी, जो पे मैट्रिक्स लेवल 2 है उसके अनुसार हो जाएगी, तो 18,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी हो जाएगी 2 साल बाद, ठीक है। एंड जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और 100 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ना कोई इंटरव्यू है और ना कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को सिलेबस बता देता हूं, तो आप सभी देख लीजिए डिटेल के अंदर, ये सिलेबस है जो आपके मैथमेटिक्स है, यानी गणित के अंदर जो आपके सिलेबस आने वाला है, परसेंटेज यानी प्रतिशत, एवरेज औसत, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, डिस्काउंट का मतलब बट्टा, और नंबर सिस्टम है। और ये सिलेबस आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो अपन डिटेल्स के अंदर पहले सिलेबस देख लेते हैं, तो ये रहेगा आपका डिस्काउंट, जो नंबर सीरीज है, एंड जो नंबर सिस्टम हो गया आपका, और जो कोडिंग डिकोडिंग है, तो रीजनिंग मैथमेटिक्स इसके अंदर सम्मिलित रूप से ही आपका आएगा, एंड जो रेशियो प्रोफेशन है तो ये भी आपका आएगा, ठीक है, एंड जो प्रॉब्लम ऑन ट्रेंस, जो ट्रेंस की चाल दूरी से संबंधित क्वेश्चन रहता है, एंड जो ये है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी से संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे, एंड जो आपके तैराकी और जो बोट रहता है, नाव, नाव किस दिशा में आ रही है, पानी किस दिशा में बह रहा है, इस संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। एंड जो टाइम एंड वर्क है यानी काम और समय का भी आपके पास आएगा। और दोस्तों, आपका किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है किसी टॉपिक के अंदर, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप सभी का जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका गणित का सिलेबस, अगर आप ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आप हमारी वेबसाइट पर भी मैं आपको बता दूंगा जहाँ से आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो ये तो हो गया आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस, ठीक है, तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, और टाइम है अभी भी आपके पास, आप तैयारी कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो आपका हिंदी के अंदर सिलेबस रहेगा, तो आप सभी देख सकते हैं, तो हिंदी के अंदर आपका रहेगा संधि विच्छेद और संधि और संधि विच्छेद, ठीक है। जो हिंदी की, जब भी आपने LDC का भी एग्जाम दिया होगा आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने, तो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा, संधि और संधि विच्छेद आ जाएगा। एंड जो सामाजिक पदों की रचना एवं समास विग्रह, जो समास रहता है अपना, ठीक है, तत्कर्ता, कर्मधारय,
समास एंड उसी के साथ जो उपसर्ग प्रत्यय एंड जो पर्यायवाची आएंगे, शब्द एवं विलोम शब्द आएंगे, अनेकार्थक शब्द आएंगे, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, और इसी के साथ आप देख सकते हैं अशुद्ध शुद्ध जो आपके गलत शब्द रहेंगे उनको शुद्ध करना, एंड जो शुद्ध शब्द हैं उनमें से जो गलती आपको छाटनी है, एंड जो वाच्य है उसमें क्रमवाच्य, क्रम कृतवाच्य, भाववाच्य का प्रयोग, एंड जो आपकी क्रिया होती है सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, एंड जो वाक्यांश के लिए आपके जो अनेकार्थक शब्द होते हैं, एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति आतु, और जो हिंद अंग्रेजी के परिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द। तो आपके जो इंग्लिश के अंदर लाइन रहेगी उसको आपको जो हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करना है, एंड ऐसा भी हो सकता है हिंदी के अंदर हो जिसको आपको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है। तो ये तो हो गया आपका जो सिलेबस है, आपका इसका हिंदी का सिलेबस हो चुका है दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं मैथमेटिक्स के बाद। एंड उसी के बाद मैं आप सभी को बता देता हूँ जो आपका सेकंड सिलेबस है इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश के अंदर आपका आएगा टेंस, सिक्वेंस ऑफ टेंस, एंड जो वॉइस हो गया आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एंड जो नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो अपने जो सेंटेंस रहते हैं उनको नेगेटिव में बदलना, इंट्रोगेटिव में करना, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटरमिनर्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो इसी जैसे आपके हिंदी के अंदर आएगा, इसी के अंदर इंग्लिश के अंदर भी एक आपके जो रहेगा जिसके अंदर हिंदी दे रखोगी उसको आपको इंग्लिश में बदलना है, और जो अगर इंग्लिश में दे रखा तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। एंड जो करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, एंड जो वर्ब अरेंजमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, जो कनेक्टिव्स एंड वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विथ हिंदी वर्जन। ठीक है, जो हिंदी के अंदर जो आपके शब्द रहते हैं जो टेक्निकल, तो उनकी अर्थ आपको बताना रहेगा, ऑप्शंस आपको दे रखा होगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपका रहता है वन वर्ड रहता है, ठीक है, एंड जो फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाई यूजिंग प्रेफिक्स एंड सुफिक्स, तो ये इसका यहाँ पर मतलब है प्रत्यय, और जो प्रत्यय और उपसर्ग रहते हैं अपने हिंदी के अंदर, इसी तरह जो इंग्लिश के अंदर भी रहता है, तो ये आप कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है सिलेबस को कंप्लीट करने के अंदर। एंड इसी के बाद जो आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ठीक है, जो आपकी राजस्थान के अंदर क्या सिलेबस रहने वाला है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों के अंदर यह सिलेबस मेरे पास अभी है। तो इसके अंदर आपकी जो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, मुगल संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक संरचना, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी देवताएं, एवं जो राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियां एवं हस्तशिल्प, राजस्थान की भाषा साहित्य की प्रमुख रतियां, एंड जो क्षेत्रीय बोली में मेले, त्यौहार, संगीत, नृत्य। और दोस्तों आपको साइड में इंग्लिश में भी दे रखा होगा जो इंग्लिश मीडियम वाला है, और आपका पेपर दोनों लैंग्वेज के अंदर होगा, हिंदी के अंदर भी होगा, इंग्लिश के अंदर भी होगा। एंड जो परंपरा एवं विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की रियासत एवं ब्रिटिश संधियां, 1857 का जन आंदोलन, कृषक एवं जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, जो राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण एवं विकास महिलाओं के विशेष संदर्भ में, एंड जो आप इसी के साथ देख सकते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी में जो आपका मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, अरावली पर्वतीय प्रदेश, एंड जो पठारी प्रदेश, एंड जो अफवा तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु एवं प्रमुख फसलें, एंड जो पशुधन की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदाएं। तो ये तो हो गया आपका दोस्तों जो राजस्थान ज्योग्राफी एंड जो राजस्थान हिस्ट्री है उसका सिलेबस, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, और इसको आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के जरिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसी के बाद अपन जो देख लेते हैं आपकी जो जनरल साइंस है उसके अंदर आपका जो क्या सिलेबस रहने वाला है, तो आपको जनरल साइंस उसके अंदर तत्व, यौगिक मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन की अभिक्रियाएं, द्वि उत्प्रेरक धातु ए धातु, उनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, प्रकाश का प्रवर्तन व इसके नियम, प्रकाश के वर्ण, विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष, उसका निवारण, विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत सेल, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, विद्युत जनरेटर, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर्स, ठीक है, और इंग्लिश के अंदर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और तो
जो बायोमास ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, पारिस्थितिकी तंत्र, जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व, मानव रोग एवं निवारण, मनुष्य में पाचन एवं उत्सर्जन संस्थान का प्रारंभिक ज्ञान, ऑक्सीय एवं अनाक्सीय श्वसन, किण्वन, क्रैब्स एंड जो ग्लाइकोलिस अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल के अनुवांशिकता के नियम, डीएनए एवं आरएनए की संरचना, गुणसूत्र, मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियों एवं हार्मोन्स, विटामिन का प्रकार, इनकी कमी से होने वाले रोग। तो ये आपके जनरल साइंस का रहेगा दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं। एंड जो हृदय की कार्य, एंटीजन, एंटीबॉडी, जैव प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी, एंड जो डीएनए से संबंधित ट्रांसजेनिक, एंड जो पादप एवं जंतु जैव पेटेंट, कृषि चिकित्सा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग। तो ये तो आपका दोस्तों साइंस का सिलेबस रहने वाला है, आप सभी देख सकते हैं। और आप इस सिलेबस को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? एंड दोस्तों आपका एक और डाउट रहेगा कि जिसमें कट ऑफ है जो आपकी सेक्शन वाइज रह जाएगी या फिर ओवरऑल जाएगी। तो दोस्तों एलडीसी के अंदर भी ओवरऑल कट ऑफ गई थी, जो टेक्निकल हेल्पर है उसके अंदर भी कट ऑफ आपकी ओवरऑल ही गई थी। तो सेक्शन वाइज के चक्कर में मत रहेगा आप, क्योंकि अगर जो आपकी दो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और जैसे आपको इंग्लिश कम है, आपकी कमज़ोर है, तो आप जो अदर सब्जेक्ट्स फुल कर लेंगे तो भी आपके सिलेक्शन के चांस फुल रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी देख लीजिए, अगर आप ये सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा हमारी वेबसाइट की, जहाँ पर आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं हमारी वेबसाइट है राजस्थान जीओवीटी जॉब, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको मिल जाएगी लिंक, आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सभी देख लीजिएगा, जो ये हेल्पर सेकंड की पोस्ट है इसका सिलेबस आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा। और इसके अंदर 3,74,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, और आप इस पर देख लीजिएगा हिंदी का सिलेबस जो भी मैंने बताया है वो आपको इसके ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आप सभी को भेज दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, एंड पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों ये सिलेबस आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा राजस्थान जीओवीटी जॉब, इस वाले वेबसाइट को आप देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, www.rajasthanjovtjob.in, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, एंड आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।